पाकिस्तान को अपने पनाह में रखो इलाही आमीन। रोज जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाता और फरोख्त करके बहुत मुश्किल अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था। फ्लास से तंग आकर एक रोज एक उसने अपनी बीवी से कहा कि बराए रोजगार बाहर जाता हूँ। अजब नहीं कि परवरदिगार रहम फरमाया और हमारी मुसीबतें दूर हो जाए। ये कहकर लकड़हारा मुआश की तलाश में दूसरे शहर गया, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ भी तकदीर ने इसका साथ ना दिया। हर वक्त दिल में सोचता कि कुछ पैसे हो जाएं तो अपने शहर जाऊं और बाल बच्चों की खबर लूं, लेकिन कुछ ना हो सका। इसी फिक्रों परेशानी में 12 साल बीत गए और इस अरसे में ना तो उसने बाल बच्चों को कुछ भेजा और ना इनकी खबर ली। लकड़हारे की बीवी अपने खावंद के चल जाने के बाद कुछ दिनों तक इसी फिक्रों में रही कि खावंद मेरा खावंद खर्चा भेजेगा, लेकिन जब इसने अरसा तक खबर ना ली और इस बेचारी पर फाके गुजरने लगे तो लाचार होकर इसने वजीर के महल में जारूब कशी की नौकरी कर ली और अपने और बच्चों का पेट पालने लगी। एक रोज़ लकड़हारी ने ख्वाब में देखा मैं
वजीर के महल में झाड़ू दे रही हूँ कि एक के यकायक मौला कायनात दो जहान हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सलवार अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व माँ असहाब सेन खाना वजीर में तशरीफ़ लाए हैं। अपने असहाब की तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया कि आज क्या तारीख है और कौन सा महीना है। साहबा ने अर्ज़ किया या मौला आज शब 22 रजबुल मुरजब है। तब हजरत ने अपनी ज़ुबान मौजबान से इरशाद फरमाया कि कोई शख्स हो जब दस्तूर सवा शेर मैदे की पूरियां पकाकर दो कुंडों में रखकर हमारे नाम की नज़र 22 रजबुल मुरजब बवक्त सुबह नमाज दिलवाकर हक सुभान अल्लाह ताला की दरगाह में हमारे सो गाइस हमने मौज़ा पढ़ लिया और हम अभी लंगर बांटेंगे उसके। ये देखो जमीन अभी तक सो रही उठी भी नहीं है। फिर हम आपको बाद में मिलते हैं। बाय बाय।